नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम आधार एप्लीकेशन से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों एम आधार एप्लीकेशन ऐसा है, आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं एम आधार एप्लीकेशन के माध्यम से। ये UID का एप्लीकेशन है दोस्तों, इससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो में आपको लाइव बताए हैं, सबमिट करके बताए हैं और मोबाइल नंबर लिंक करके बताए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एम आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, ओपन कीजिएगा दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर से आप जो है यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर जो भी आपके पास नंबर है उसको टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके नंबर पे OTP आएगा और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर कैसे लिंक होगा आधार में। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है बुक एन अपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाएगा। इंडियन रेसिडेंट पे आपको क्लिक रखना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और OTP क्लिक कर लेते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे 1 टाइम OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे टाइप करना है इस तरीके से OTP, उसके बाद आपको सबमिट OTP प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। सबमिट OTP प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं ध्यान से। अब आपको आधार में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको जो यहाँ पे अपडेट आधार है और न्यू इनरोलमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है मोबाइल नंबर आधार में। तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे सिंपली ये अपडेट वाला ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट बेस अपडेट गार्जियन रिलेशन प्रूफ बेस अपडेट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं किस बेस पे करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट बेस पे हैं, गार्जियन बेस पे हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आधार में जो नेम है आप टाइप कीजिएगा, मोबाइल यहाँ पे आधार नंबर टाइप कीजिएगा, इंडियन रेसिडेंट टाइप कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे टिक कीजिएगा, क्योंकि हम मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर ही सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम नेम, आधार नंबर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस गार्जियन रखेंगे। अगर इसमें से जो है 5 साल का बच्चा है तो यहाँ पे गार्जियन का ऑप्शन आ जाता है कि 5 साल से कम है तो आप इसको रखना है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा का आधार कार्ड बनाए हैं और उसका 5 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है तो उसको अपडेट करना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। और हमें तो सही मोबाइल नंबर ही अपडेट करना है तो डॉक्यूमेंट बेस पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम, आधार नंबर, तो यहाँ पे हम नेम टाइप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अभी हमें ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक करने अपडेट का, हम मोबाइल नंबर पर टिक किए हैं और प्रोसेड पे क्लिक करेंगे नीचे। देखिए प्रोसेड पे ये सब कुछ सही, हम ओके कर देंगे। प्रोसेड पे हमने क्लिक किया है और जो मोबाइल नंबर आधार में अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पे नंबर ये है, अगर ये नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट का भी ऑप्शन है, लेकिन ये सही है। हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड प्रोसेड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें जो है एक डिक्लेरेशन आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं बताया गया है फाइनेंशियल अदर रेसिडेंट बेनिफिट सर्विस कुछ इसमें बताया गया है, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और सिंपली आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे साइड में सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, साइड में सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट हो चुका है। डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपका रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं दोस्तों घर बैठे मोबाइल से बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिसीविंग, यहाँ पे रिसीविंग आपको मिल जाता है जो आपने डाउनलोड की करेंगे, तो यहाँ पे रिसीविंग आपका